नरेश के बर्थडे के लिए केक बना जा रहा है। शेप के लिए कुछ नहीं था तो अजय ने तवे का इस्तेमाल किया। देखिए ट्रिक कितना अच्छा है, आप लोग भी यही ट्रिक कीजिएगा। अगर शेप बनाने के लिए कुछ नहीं तवा रख लेना और कैफेटेरिया का तवा देखिए कितना खूबसूरत है। अजय दूसरा फ्लेवर नहीं होता, चॉकलेट ही है। गाइस कल से वेट कर रही थी उसके बर्थडे का, कल छुट्टी में गया था तो आज करेंगे सेलिब्रेट। ओरिजिनल केक ऑलमोस्ट बन गया है, मैंने सिर्फ थोड़ा थोड़ा केक बनाया ये बेस को, बाकी का सब अजय ही डेकोरेट कर रहे हैं क्योंकि मुझे आने में लेट हो गया, ये वेट नहीं कर पाए मुझे। आप खुद बना रहे हैं ये क्या? क्रंच बटर स्कॉच। ओके ओके, चॉकलेट फ्लेवर विद ब्लूबेरी विद बटर स्कॉच। हाय हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? होप करती हूं आप लोग सब ठीक होंगे। तो वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग गाइस। तो आज का बर्थडे, आज का व्लॉग है जैसे कि मैंने आपको उसको बताया था, कल भी नरेश का बर्थडे था, वो आया नहीं, तो हम लोग सोचे कि क्यों ना आज उसका सेलिब्रेट करेंगे और उसके साथ साथ मैं उसका प्रैंक वीडियो भी करने वाली हूँ। हाँ प्रैंक भी करने वाली हूँ क्योंकि पहले मैं करूँगी प्रैंक केक कट उसके साथ, फिर ओरिजिनल केक भी हाँ बनाया है, रेडी किया है, तो रियल केक भी काटेंगे। तो प्रैंक केक के लिए मैं बना रही हूँ एक चीज़ से जिसके साथ प्रैंक होने वाला है, वो क्या है मैं आपकी वीडियो के बीच में ही बताऊँगी, इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, ठीक है? तो प्रैंक एकदम डिफरेंट। हाँ चाहिए चाहिए वो, क्योंकि मुझे पूरा सपोर्ट करेंगे अजय, यही करेंगे प्रैंक करने के लिए सब मेरे साथ। नहीं, तो फर्स्ट मैं उसके साथ प्रैंक केक करूँगी, काटूंगी, उसके बाद ही रियल केक के साथ सेलिब्रेट करेंगे। तो देखते हैं कि पूरी टीम के साथ सबके साथ मिलकर वो कैसे करता है, कैसे उसका रिएक्शन होगा और मेरे सारी टीम वालों का भी रिएक्शन कैसे होगा, क्योंकि किसी को नहीं मालूम है, सिर्फ मुझे और ध्रुवा सर को मालूम है, क्योंकि प्लान में मैनेजर्स को तो इन्वॉल्व करना पड़ेगा ना, अकेले नहीं कर सकते सब कुछ। तो ध्रुवा सर को मैंने ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया ऐसे समय करने वाली हूँ सर, क्योंकि नरेश ना मुझे बहुत सताता है, तंग करता है, इसके लिए थोड़ा मजा हम भी लेंगे तंग करके उसको। तो फर्स्ट होगा प्रैंक केक, उसके बाद होगा रियल केक, और रियल केक सीरियसली ना बहुत मज़ेदार है, मैंने उसका स्पॉन्ज भी खा के देखा, बहुत टेस्टी है, अब बस काट के खाने के बाद ही पता चलेगा। अच्छा ये अजय बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे सब चीज़ों में, केक बनाने में, और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 25% अजय ने सिखा दिया है, थैंक यू। वेलकम बोलिए, तो बोलिए ना सब्सक्राइब करने मुझे अजय, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर ठगो के ऊपर गार्निशिंग करने के लिए है ये। अजय का दिमाग बहुत स्पीड चलता है, मेरे आने तक तो पहले चला दिया उन्होंने, चला के तैयार भी कर लिया, मेरा इंतजार नहीं किया बनाने के लिए। प्रैंक केक करने वाले हैं थर्माकोल के साथ, जैसे नॉर्मल केक होता है जैसे होता है सब कुछ ऐसे ही होता होगा, तो थर्माकोल में बस हम लोग कट करवाएंगे उसको, उसके बाद रियल केक काटेंगे। तो देखिए बिल्कुल सेम टू सेम लग रहा है, इजी मेथड। गाइस आपको भी किसी के साथ अगर प्रैंक करना है ना तो बाउल में उसमें मत करना क्योंकि पता चल जाएगा इजी से, लेकिन इसके साथ जरूर करना ना, बहुत अच्छा आइडिया, क्योंकि मैंने सोचा कि एक वो बाउल होता है उसी में ही मैं करूँगी केक, तो मुझे अजय ने बोला कि नहीं उसमें मत कीजिएगा, इसमें पता चल जाएगा इजीली, इसमें कीजिएगा, थोड़ा काटने के बाद तक कुछ पता नहीं चलेगा, बाद में मालूम है जब खाएगा तो मज़ा आएगा इसमें, तो सोचा कि तो इसी से कर लूँ। देखिए प्रूफ मैडम, ये बोल रहे हैं कि ध्रुवा सर अंडा खाएंगे गोभी गोभी मंचूरियन, प्रूफ प्रूफ मेरे पास वीडियो में आना है, प्रूफ इधे इल्ली साक्षी ले प्रूफ इधे। तो गाइस यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट केक को क्रीमिंग कर रहे हैं, तो अजय ने बोला कि आप मत कीजिए कपड़े खराब हो जाएंगे, मजा आया इसलिए ये खुद कर रही, क्योंकि जल्दी जल्दी मैं दो केक बना रही है। देखिए और ये है थर्माकोल का केक जो प्रैंक करूंगी मैं नरेश के साथ, इसको लगाएंगे बटर क्रीम के साथ, क्योंकि हम लोग व्हिपिंग क्रीम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि खाना वेस्ट करना नहीं चाहिए इसलिए व्हिपिंग क्रीम वहाँ जाएगा और बटर केक का बटर यहाँ पे क्रीम यहाँ पे जाएगा। तो ये है हमारा प्रैंक केक, यस। इसके लिए गाइज आपको पूरा देखना पड़ेगा कि व्लॉग में लास्ट तक नरेश का रिएक्शन कैसे होगा, कैसे वो कट करेगा, और
मेरे सब टीम वाले क्या करेंगे मेरे साथ, क्योंकि प्रैंक सीधा देखे देखे खिला देंगे उसको, उसके बाद ही हम लोग ओरिजिनल केक काटेंगे। तो इस सब के लिए बहुत मजा आने वाला है शाम को। आज ऊपर का गार्निशिंग मैं करती हूँ, ठीक है? कुछ तो मालूम होना चाहिए ना कि टीम वाली अपनी कोलीग अपने पार्टनर के लिए कितना सपोर्ट कर रही है। तो डेमो के लिए, तो गाइस देखिए थर्माकोल से ऐसे क्रीम को लगाया जा रहा है। गाइस प्रैंक केक भी बनाना इतना आसान नहीं है, ठीक है? बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है उसकी। देखिए ये है ग्लिसिंग जेल, इसको केक की अच्छी सी फिनिशिंग होने के लिए इसको भी मिला रहे हैं अभी। तो यहाँ है ये, इसको मैं रेड कलर डालकर मतलब इसकी फिनिशिंग करेंगे। मतलब इतना आसान नहीं है यार प्रैंक केक भी बनाना, सच में ना बहुत मेहनत होती है। अच्छा हमको सिखा दिया है लड़कों की बेकरी में बनाने का सब। इतनी आसानी इसकी बात नहीं है, मैंने देखिए आपको हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप दिखा रही हूँ। प्रैंक केक कैसे बनाते हैं, रियल केक कैसे बनाते हैं, देखिएगा। आपको भी किसी के साथ प्रैंक करना है तो ऐसे ही कीजिएगा, बिल्कुल एकदम परफेक्ट रियल केक दिख रहा है। अब भी दिखाऊंगी जल्दी से कितना प्यारा लग रहा है, देखिए। अजय की बहुत मेहनत है, मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, सिखाते भी हैं और दिखाते भी हैं, एक्सप्लेन भी करते हैं जब जब केक बनाते हैं ना अजय, चाहे वो प्रैंक डेमो केक हो या रियल केक हो, हर टाइम पे मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि इसको ऐसे ऐसे करना है, इसको ऐसे डालना है। तो गाइस माशाल्लाह माशाल्लाह प्रैंक केक हो गया रेडी, या बस नाम लिखा जा रहा है इसमें नरेश का, और पर हो जाएगा हमारा रियल केक को गार्निशिंग करना। सच्ची बहुत प्यारा लग रहा है ना गाइस। वो ही वाला रखिए, ये ऐसे ही। नरेश निम्जे मारते हैं नहीं नॉरी हो गए। नहीं झूठ बोल रहा, नरेश के लिए हो गए कुछ तैयार। नरेश का जो है रियल ओरिजिनल केक है, तो कितना प्यारा बनाए देखिए। ओरिजिनल केक नरेश के लिए जो बनाया है ये ऑलमोस्ट 2 kg के ऊपर है, माशाल्लाह कितना प्यारा है देखिए। तो प्रैंक केक होने के बाद बनाएंगे नरेश के लिए ये केक का फिर। मजा आया तो हम लोग सीधा बनाएंगे, अभी इवनिंग में मिलेंगे केक कटिंग के टाइम पे, तो बहुत मजा आएगा गाइस। किस लिए आप जानते हैं कि किस लिए, तो वीडियो को सच्ची पूरा देख रहे ना, बहुत मजा आने वाला है। दो दो केक। तो गाइस ये बेकार हैं, कोई डिस्टर्ब करने के लिए आए हैं। तो ये थैंक यू अजय, थैंक यू सो मच, दो दो केक बनाया आपने, बहुत बहुत थैंक यू इसके लिए। तो गाइस दो केक हैं, देखिए कितना प्यारा बना है। केक के चक्कर में मेरा गर्लफ्रेंड का केक नहीं बनाया। जली ना तेरी भी जली ना। अच्छा हुआ, तो ये एक केक और यहाँ पे ये केक रखा है, आपको तो मालूम है कि कौन सा है। तो गाइस हम लोग डायरेक्ट अभी सीधा शाम को मिलेंगे इवनिंग में, जब केक कटिंग होगा। सच्ची बहुत मजा आने वाला, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, पता नहीं कितने लोग मुझे गालियां देंगे आज। तो सीधा हम लोग शाम को ही मिलेंगे, ठीक है? प्लीज वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा। गौतम भाई ने बनाया, नरेश सर के लिए। गौतम भाई ने बनाया, वीडियो में प्रूफ है किसने बनाया है, नहीं है। एक
दम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। सब लोग यहाँ आ गए हैं और वो हमारा प्रैंक केक भी हमने रेडी करके रख दिया है, तो अभी सब रखें, अभी देखते हैं कि होता है क्या, रिएक्शन उसका कैसे होगा। तो गाइस जिसने भी मुझे सपोर्ट किया था, ये सब इधर है, मेन अजय हैं इसके लिए, और मैंने सब अरेंज करके मतलब मुझे बस रिएक्शन देख, कैंडल होगा तबलगढ़ है, कैंडल होगा तबलगढ़ है, तो अभी उसको देखेंगे, कैंडल भी लगेंगे, क्या करेंगे, देखेंगे नरेश का रिएक्शन कैसे होगा। उसके अंदर कैंडल जाएगा, कैंडल जाएगा, बातें कर रहा है, वहाँ पे बिजी है, फुल खुश है। भाई अब ये टोपी पहना रहे हैं नरेश, मजा आएगा। रुको जरा, सबर करो। It's a prank. Prank. No, I think that you can't give the cup to Paddy. रियल केक ಡೆಮೋ ನಾನು ಅಂದೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ये भी क्रीमी है री। है ना? नहीं, वो काटने के टाइम पे नहीं थे क्या? पूछा वो देखा मैंने, अच्छा फ्रैंक है ना, मेरा था सर। इधर से टच करने ओरिजिनल पूरा पूरा है। ये हमारे मैडम है, फ्रैंक वीडियो ज्यादा बनाती है। एक ही बनाई है, दो बनाया। गाइस हमें तो देखा ही होगा, नहीं देखा? हाँ, बिरयानी में देखा। हमें दिस इज अ पहाड़ी आदमी। कैसा था फ्रैंक केक? हमारे अजय है ना बेकरी वाले, उसकी मेहनत। लेकिन एक्चुअली ये पूरा बटर क्रीम सिर्फ थर्माकोल अंदर है, तो पूरा क्रीम बटर क्रीम व्हिपिंग क्रीम में बनाते हैं, वो सॉफ्ट रहता है, ये बटर क्रीम पूरा पूरा ये वो जैसा केक बनाती पूरा वैसा। मस्त था नहीं? यहाँ मैं खाने वाली हूँ केक, अभी
मजा तो बहुत आया। अभी बस इसको टेस्ट करेंगे, टेस्ट भी तो बहुत अच्छे जब बनाया था तब भी मैंने पूरा सा टेस्ट किया था, अच्छा लगा। बताओ कैसा था फिर प्रैंक? अच्छा नहीं है ये, अच्छा है सर। कैसा था सर प्रैंक? गाइस जामुन अच्छा था, आज घर में बनाया मेरी अम्मी ने बनाया, उसको खवा सब डालना पड़ता है। क्या डाला था? बोलती रुके रेसिपी बना दो। प्रैंक कैसा था वो बोलिए। मस्त था। अच्छा नहीं कैसे लोकेश? लोकेश प्रैंक कैसा था? प्रैंक कैसा था? नेक्स्ट मीट तो कैप करे मैडम मेरे। ती हेंगी त्री प्रैंक के ಎಲ್ಲರು ಹೇಳಿ ಪ್ರಾಂಕ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು? ಹಾಯ್ ಮೇಡಂ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಾಂಕ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು? ಏನು ಪ್ರಾಂಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಕೇಕ್, ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಕೇಕ್ ಮಾಡಿದಲ್ವಾ, ಹೆಂಗಿತ್ತು? ವೆರಿ ವೆರಿ ನೈಸ್, ಸೂಪರ್ ಮೇಡಂ. ಹಾಯ್ ಅಜಯ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಮಜಾ ಆಯಾ ಬಹುತ್, बहुत अच्छा लगा सच्ची। देखा नहीं आए नहीं इधर, मैं नीचे गया था। अयो मैं बुला रही हूँ, बोलो जल्दी बुलाओ करके। बहुत मजा आया, थैंक यू सो मच, आप हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं, फिर भी अगले टाइम भी देखेंगे दूसरा। थैंक यू सो मच सबको, थैंक यू, थैंक्स री नीनू सपोर्ट मारते जास्ती, ही ऑल्सो सपोर्टेड मी। आप क्या सपोर्ट किए लाशी में आए? क्या सपोर्ट किए, फिर भी थैंक यू। ये हेल बेको सब लोगों का रिएक्शन बहुत अच्छा है और सबने बहुत तारीफ भी की कि अच्छा प्रैंक किया है, तो मुझे तो बहुत खुशी हो रही है यार, मेहनत इतना किया मैंने, खुशी तो होती है ना, तो बहुत ज्यादा खुशी है मुझे प्रैंक करके नरेश के ऊपर। डर लग रहा है कि वो कहीं रिवेंज ना लेने मुझसे। तो उम्मीद करती हूँ गाइस आप लोगों को भी वीडियो पसंद आया होगा, मेरा प्रैंक वीडियो, तो प्लीज वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना और अपनी पूरी फैमिली का ख्याल रखिएगा। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।